हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायो स्कैनर। आज के वीडियो लेसन में हम स्टडी करेंगे लाइकेंस की। लाइकेंस के ऊपर ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने लाइकेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ा था। आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे लाइकेंस के अंदर मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड लाइकेंस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। आप इसे वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन, आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रेन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेसन और पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन इन लाइकेंस, यानी कि लाइकेंस के अंदर क्या क्या मेथड्स है रिप्रोडक्शन के। आज के वीडियो लेसन में हम वो पढ़ेंगे। लाइकेंस के अंदर दो मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, दो तरीकों से लाइकेंस रिप्रोड्यूस कर सकता है। लाइकेंस एसेक्चुअली और सेक्चुअली दोनों ही तरह से रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो यार लाइकेंस के पास दोनों मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर तीन टाइप से होता है, फ्रेगमेंटेशन, आइसीडिया एंड सोरिडिया फॉर्मेशन। तो ये तीन मोड्स ऑफ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन है लाइकेंस के, और इसके साथ ही लाइकेंस एक्चुअली भी रिप्रोड्यूस करता है जिसके अंदर ये एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन करता है। आज के वीडियो लेसन में हम सबसे पहले लाइकेंस के अंदर एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन लाइकेंस के अंदर। लाइकेंस के अंदर जो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन का सबसे सिंपल और सबसे ईजिएस्ट मेथड होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में एक लाइकेन का जो थैलस होता है वो डिवाइड हो जाता है। अब उसको डिवीजन करने के लिए, यानी कि लाइकेन के थैलस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कुछ मैकेनिकल इंजरी, यानी कि कुछ इंजरी हो जाए, तेज हवा चल रही हो, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, लाइकेन्स के ऊपर से कोई एनिमल गुजर जाए, यानी कि ट्रैम्पलिंग इसकी कर दी जाए। तो इस वजह से जब लाइकेन का थैलस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है तो लाइकेन के थैलस के जो डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं वो सेपरेट इंडिविजुअल्स की तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस तरह से लाइकेंस का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला मेथड है दैट इज फ्रेगमेंटेशन वो कंप्लीट हो जाता है। जो सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स हैं, सेपरेटेड थैलस के पार्ट्स हैं, वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स की तरह से बिहेव करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की तरह से ये बिहेव करेंगे और नया ऑर्गेनिज्म इनसे डेवलप हो जाएगा। तो ये था पहला मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लाइकेंस के अंदर। लाइकेंस के अंदर जो दूसरा मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो होता है आइसीडिया फॉर्मेशन। आइसीडिया जो होते हैं ये कुछ कोल्यूमिनार स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कोल्यूमिनार एक्सटेंशंस होते हैं, यानी एक कॉलम की तरह की स्ट्रक्चर्स होते हैं जो थैलस से ओरिजिनेट होती है। थैलस का मतलब यहां पर ये है कि ऐसी स्ट्रक्चर जिसके पास रूट, स्टेम और लीव्स का प्रॉपर डिस्टिंक्शन नहीं होता है उसको हम थैलस कहते हैं। तो लाइकेंस की जो ओवरऑल बॉडी है उसको हम थैलस कहते हैं, और इस थैलस से कुछ कॉलम की जैसी एक्सटेंशन इमर्ज हो जाती है। यहां पर आप देख रहे हैं ये एक कॉलम जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, इस तरह की स्ट्रक्चर्स लाइकेन के थैलस से इमर्ज हो जाती है। ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो लाइकेन के थैलस से इमर्ज हो रही होती हैं इनको आइसीडिया कहते हैं। जो आइसीडिया होती है इसके अंदर आप देख रहे होंगे एल्गल सेल और फंगल हाइफा दोनों ही चीजें एक साथ होती हैं। अब ये जो आइसीडिया होती हैं इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में होती है। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं एक लाइकेन के सामने, जब उसकी फूड वगैरह की स्कार्सिटी हो जाती है, वाटर वगैरह उसको कम मिलता है, तो ये आइसीडिया बनती हैं, और आइसीडिया यहाँ से जो थैलस है उससे सेपरेट हो जाती है। एक आइसीडिया जैसे थैलस से सेपरेट होगी, सेपरेट होकर के वो नए इंडिविजुअल को डेवलप कर देती है। तो ये दो मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लाइकेंस के अंदर। नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है सोरिडिया फॉर्मेशन। सोरिडिया जो होती हैं ये माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये थैलस के अंदर बनती हैं, और ये ऐसे थैलस के अंदर बनते हैं जिसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है। यहाँ पर आप एक थैलस की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक जोन है जहाँ पर एल्गी प्रेजेंट है, और उसके ऊपर के जोन में यहाँ पर हाइफा प्रेजेंट है। तो इस पोर्शन के अंदर जहाँ पर एक लाइकेन के अंदर हाइफा और थैलस दोनों ही प्रेजेंट है, कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनको सोराई कहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये जो सोराई की स्ट्रक्चर होती है, एक सोराई के अंदर एक सेल होती है ग्रीन एल्गी की, और उसके चारों तरफ बहुत सारे हाइफा उसको सराउंड करके रहते हैं। तो एक सोराई के अंदर इस तरह की बहुत सारी सोरिडिया बन जाती हैं जो माइक्रोस्कोपिक होती हैं। एक सोरिडिया के अंदर आपको मिलेगी एक एल्गी की सेल, और उसको चारों तरफ से घेरे हुए आपको मिलेंगे बहुत सारे फंजाई के हाइफा। तो यहां पर आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, इस इमेज के अंदर आप बिल्कुल सेंटर में एक ग्रीन सेल देख रहे हैं, और इस ग्रीन सेल के चारों तरफ आप बहुत सारे हाइफा देख रहे हैं। तो ये एक सोरिडिया की स्ट्रक्चर है, और इस तरह की बहुत सारी सोरिडिया बनती हैं। ये जो सोरिडिया होती हैं ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं। जैसे ये किसी सुटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरती हैं, सुटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरते ही ये नए
लाइकेन का जो थैलस होता है उसको डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि जैसे ही ये सोलिडिया किसी सुटेबल सबस्ट्रेटम पर गिरेगी, वहाँ पर जो एल्गी की सेल है वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगी और जो हाइफा है वो भी डिवाइड करना शुरू करेंगे और इस तरह से वहाँ पर एक नया लाइकेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये तीन मेथड्स थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाइकेंस के अंदर। अब हम पढ़ते हैं लाइकेंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स लाइकेन के अंदर बहुत ही सिंपल है। आपने इन सभी मेथड्स को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फंजाई के अंदर। आपने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था लाइकेंस का तो वहां पर आपने पढ़ा था कि लाइकेंस को हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया था और जो कैटेगरीज हमने लाइकेंस को क्लासिफाई करने के लिए यूज की थी उसका हमारा बेसिस था कि लाइकेंस के अंदर कौन सा ग्रुप ऑफ फंजाई प्रेजेंट है। हमने वहां पर देखा था कि अगर एक लाइकेन के अंदर क्लास एस्कोमाइसिटीज की फंजाई है तो हमने उनको कहा था एस्कोलाइकेंस, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज की फंजाई है तो हमने उसको कहा था बेसिडियोलाइकेंस, और अगर लाइकेंस के अंदर जो फंजाई है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है तो हमने उसको कहा था लाइकेन इम्परफेक्टी। तो यहां पर हमारे पास फंजाई की दो क्लासेज हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, दैट इज एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो यहां पर भी जो लाइकेंस है जिनके अंदर हमारे पास क्लास फंजाई की है एस्कोमाइसिटीज उसको हम कहते हैं एस्कोलाइकेंस, और जिसके अंदर हमारे पास क्लास बेसिडियोमाइसिटीज है लाइकेंस की उनको हम कहते हैं बेसिडियोलाइकेंस। तो एस्कोलाइकेंस और बेसिडियोलाइकेंस क्योंकि इनके अंदर जो फंगस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, इसी वजह से ये दोनों के दोनों जो लाइकेंस है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड इनके अंदर सेम वही होता है जो इनकी रेस्पेक्टिव फंगल क्लास के अंदर होता है। यानी एस्कोमाइसिटीज के अंदर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड देखा था कि उसके अंदर एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है और जो एस्कोस्पोर्स बनते हैं ये एस्कोकार्प के अंदर बनते हैं। वहां पर आपने देखा था कि 8 एस्कोस्पोर्स बने थे, इसी तरह के 8 एस्कोस्पोर्स यहां पर भी बनेंगे। यानी कि एस्कोलाइकेंस के अंदर आप देख पाएंगे एस्की की फॉर्मेशन होगी, एस्की के अंदर एस्कोस्पोर्स बनेंगे और जैसे ही वो एस्कोस्पोर्स रिलीज होंगे वो जर्मिनेट कर जाएंगे और नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा। यहां पर इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहां पर इस इमेज के अंदर बहुत सारे एस्की की फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये एस्की बनी हुई है यहां पर और इन एस्की के अंदर एस्कोस्पोर्स बने हुए हैं। अब जैसे ही एस्कोस्पोर्स यहां से रिलीज हो जाते हैं, इन एस्कोस्पोर्स के रिलीज होते ही ये जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा। अब एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन है और एस्की की जो फॉर्मेशन है ये बिल्कुल सिमिलर है जो फंजाई में अंदर आपने पढ़ी थी। तो यहाँ पर एस्कोलाइकेंस के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं, सेम बिल्कुल इसी तरह से जो बेसिडियोलाइकेंस होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको कहते हैं बेसिडिया। बेसिडिया की जो फॉर्मेशन के स्टेप्स हैं यानी बेसिडिया किस तरह से बन रही है वो क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बेसिडिया बनेंगी, बेसिडिया के अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे जो बाहर की तरफ अटैच्ड होंगे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर और वहाँ से ये रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होकर के जैसे ही सुटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरते हैं ये जर्मिनेट कर जाते हैं और इनके जर्मिनेशन से नए लाइकेन का प्रोडक्शन हो जाता है। अगर इन स्पोर्स के साथ ऑलरेडी कोई एल्गी की सेल एसोसिएटेड है तो ये लाइकेन वहाँ पर ग्रो कर जाता है, और अगर कोई एल्गी की सेल वहाँ पर इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है तो ये बाद में जा करके किसी एल्गी की सेल से फ्यूज करता है, क्योंकि यहाँ से जो स्पोर्स गिरेंगे वो बिल्कुल नियर बाई ही गिरेंगे और यहाँ पर ये किसी कोई दूसरी सेल के साथ फ्यूज कर जाते हैं और ये जर्मिनेट कर जाते हैं और फिर से इनका लाइकेन का एसोसिएशन बन जाता है। तो इस तरह से लाइकेंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं लाइकेंस की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। लाइकेन की सबसे जो मेन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होती है टू बी द पाइनियर स्पेसीज। पाइनियर स्पेसीज का मतलब होता है कि किसी काम को सबसे पहले शुरू करने वाला। अब जो लाइकेंस होते हैं अगर किसी बेयर रॉक के ऊपर गिर जाएंगे, यानी एक ऐसी चट्टान है जो बिल्कुल बेयर है, बंजर है, उसके ऊपर ना पानी है, ना वाटर है, ना सोयल है, ना ही कोई न्यूट्रिएंट्स है, अगर ऐसी स्ट्रक्चर के ऊपर कोई और प्लांट कोई ऑर्गेनिज्म गिरेगा तो वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर किसी ऐसी किसी जगह पर ऐसे किसी सबस्ट्रेटम पर जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशिएंसी है, वाटर वगैरह कुछ भी नहीं है, वहाँ पर लाइकेंस के स्पोर्स गिर जाते हैं या इनकी आईसीडिया या फ्रेगमेंट्स गिर जाते हैं तो ये वहाँ पर सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। अब सर्वाइव करने का इनका सिंपल प्रोसीजर होता है, जो रॉक्स होते हैं उनके अंदर छोटी छोटी जगह बनी हुई होती हैं, छोटी छोटी पोर्ट्स बने होते हैं, उन पोर्ट्स को कहते हैं क्रेविसेस। तो ये जो क्रेविसेस होते हैं इनके अंदर लाइकेंस के अंदर फंजाई का जो हाइफा होता है वो ग्रो करना शुरू कर जाता है और वो वहां पर उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से डेड ऑर्गेनिक मैटर भी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, एनवायरनमेंट से ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और धीरे धीरे वहां पर भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। फिर वहां पर जो
ओल्ड लाइकेंस होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और नए लाइकेंस वहां पर बनते रहते हैं। तो इस तरह से जो बैरन रॉक होती है उसके ऊपर पतली सी सोयल की लेयर तैयार हो जाती है, और जैसे ही वहां पर पतली सी सोयल की लेयर तैयार हो जाती है तो उसके ऊपर और बहुत सारे लाइकेंस तेजी से ग्रो करते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, लाइकेंस आते हैं, ग्रो करते हैं, उनकी डेथ होती है और वो वहां पर एक सोयल की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस तरह से ओवर द ईयर्स बहुत लंबे टाइम के बाद एक बैरन रॉक के ऊपर लाइकेंस का काम ये हो जाता है कि वो यहां पर एक सोयल की फॉर्मेशन कर देते हैं, और जैसे ही वहां पर सोयल की एक पतली सी परत बन जाती है तो दूसरे प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म वहां पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से एक बंजर रॉक को, एक बंजर चट्टान को लाइकेंस कन्वर्ट कर देते हैं, और कुछ सालों बाद, और बहुत सारे सालों बाद, यानी 2500 साल 2000 to 3000 years आफ्टर, वहाँ पर जो ग्रो कर जाती है एक नई कम्युनिटी वहाँ पर डेवलप हो जाती है। एक प्रीवियस कम्युनिटी को जो बिल्कुल बैरन थी, जहाँ पर कुछ भी चीज़ ग्रो नहीं कर पा रही थी, उस कम्युनिटी को ये बिल्कुल पूरी तरह से फर्टाइल कम्युनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एक बैरन कम्युनिटी पूरी तरह से एक फर्टाइल कम्युनिटी में कन्वर्ट होते, इस प्रोसेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। और इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो प्रोसेस है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइकेंस, इसीलिए इनको पाइनियर कम्युनिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इकोलॉजिकल सक्सेशन की शुरुआत की है। तो लाइकेंस जो होते हैं बहुत ही इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं पाइनियर रॉक वेजिटेशन को कराने के लिए। यहाँ पर आप इस इमेज में इकोलॉजिकल सक्सेशन का प्रोसेस देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक बेयर रॉक है, इस रॉक के ऊपर कुछ लाइकेंस यहाँ पर आके गिर जाते हैं, लाइकेंस के जो स्पोर्स हैं, आइसीडिया वगैरह हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर एक पतली सोयल की लेयर बना देते हैं। जैसे यहाँ पर सोयल की एक लेयर बन जाते हैं, यहाँ पर और दूसरे प्लांट्स और लाइकेंस ग्रो करना शुरू होते हैं। उनकी डेथ के बाद यहाँ पर छोटे छोटे ग्रासेस, श्रब्स, हर्ब्स वगैरह ग्रो करते हैं, और हर्ब्स एंड श्रब्स के ग्रो करने से धीरे धीरे यहाँ पर एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे ट्रीज डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ है, और एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल बेयर थी, उसको पूरी तरह से फर्टाइल क्लाइमैक्स कम्युनिटी में बदल दिया गया है। और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थी, इसके पीछे मुख्य रोल प्ले किया था, वो था पाइनियर स्पेसीज ने जो होती हैं लाइकेंस की। तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होती है लाइकेंस की। दूसरा लाइकेंस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आती है हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल्स या साउथ पोल्स में, जहाँ पर कंटिन्यूसली बर्फ पड़ती रहती है, जहाँ पर बिल्कुल ठंडा मौसम रहता है, वहाँ पर कोई भी प्लांट वगैरह ग्रो नहीं कर पाते हैं। ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में वहाँ पर लाइकेंस ग्रो करते हैं, और लाइकेंस जब वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं तो वहाँ पर मिलने वाले एनिमल्स के लिए ये फूड की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो नॉर्थ पोल होता है अर्थ का, जिसको हम आर्कटिक टुंड्रा भी कहते हैं, वहाँ पर रेंडियर नाम का एक एनिमल मिलता है। ये जो होता है, ये ग्रास वगैरह वहाँ पर नहीं होते, तो उसको खाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, इसको खाने के लिए चाहिए रेंडियर मॉस, जो होता है क्लेडोनिया रेंजिफेरा, यानी कि ये एक टाइप का लाइकेन होता है और ये इसके फूड की तरह से काम करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लाइकेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, दे वर्क एज अ फूड एंड फोडर इन द एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑल्सो। इसके अलावा भी कुछ लाइकेंस की स्पेसीज हैं जिनको फूड के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लेकोनेरा, एवर्निया एंड अम्बेलिकेरिया। अब लाइकेन का एक स्पेसीज होता है जिसको रॉक फ्लावर कहा जाता है, यानी पहाड़ का फूल इसको कहा जाता है, इसका नाम होता है पार्मेलिया। पार्मेलिया का इस्तेमाल किया जाता है करी पाउडर बनाने में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स भी लाइकेंस से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है लाइकेंस का, वो होता है इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। जो लाइकेंस होते हैं अगर किसी एनवायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं और अगर वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड की अबंडेंस होती है, तो लाइकेंस की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से किसी एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड का होना लाइकेंस इंडिकेट कर देते हैं। अगर सल्फर डाइऑक्साइड वहां पर प्रेजेंट है तो इससे आपको पता लग जाएगा कि लाइकेंस की डेथ हो रही है, और ये जो एनवायरनमेंट है वो हाईली पोल्यूटेड है। तो इस तरह से लाइकेंस वर्क एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर्स ऑल्सो। एनी एनवायरनमेंट हैविंग abundance of sulfur dioxide is indicated by the death of lichens. तो इस तरह से lichens environmental pollution को भी बताते हैं, हमें ये बताते हैं कि यहाँ पर pollution बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमारी मौत हो जा रही है, तो आप यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन को कम कीजिए, फैक्ट्रीज वगैरह को यहाँ से हटाइए। तो इस तरह से lichens इस चीज़ में भी हमारी काम करते हैं। और एक चीज़ आपने सुनी होगी कि बहुत बार जंगलों में आग लग जाती है, जंगलों में कोई जाता भी नहीं है फिर भी अपने आप आग लग जाती है, तो उसके लिए भी कुछ lichens responsible होते हैं। जैसे कि lichens की एक स्पीसीज है जिसका नाम है उसनिया।
उसनिया जो होता है ये बहुत ही इनफ्लेमेबल होता है, यानी कि जैसे जैसे ये सूखता रहता है तो बहुत ही ज्वलनशील हो जाता है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। जैसे इसके ऊपर तेज धूप पड़ती है तो ये अपने आप जलने लगता है, और जैसे ये जल जाता है तो और बहुत सारे जितने भी वहाँ पर सूखे सूखे प्लांट्स हैं उनकी जो टहनियाँ ब्रांचेज हैं वो भी जल जाती हैं और वहाँ पर आग लग जाती है। तो लाइकेंस जो होते हैं ये फायर को इंड्यूस करने में भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये थे कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेंस। इसी के साथ ही मैं आज के वीडियो लेसन को कंक्लूड करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो लेसन में आपने लाइकेंस की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझी और लाइकेंस के अंदर जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को समझा वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई आपको डाउट है, कोई चीज आप नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।